सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है बेसिक रनवे लेंथ। तो अगर आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बेसिक रनवे लेंथ। तो बेसिक रनवे लेंथ किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, तो ये फैक्टर्स पहले जानना पड़ता है, फिर उसकी रनवे लेंथ डिसाइड करते हैं और रनवे बनाते हैं एरोप्लेन के लिए। तो क्या क्या हम लोग अजम्पशन करते हैं इसमें, तो सबसे पहला है कि जो आप देख रहे हो, पहले अजम्पशन बता दें क्या 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 अज्यूम करते हैं। ये रनवे है आपकी, ठीक है, यहाँ से प्लेन उड़ेगी। तो पहले अज्यूम करते हैं कि इस पर कोई हवा नहीं चल रही है, नो विंड इज़ ब्लोइंग, पहला ये अज्यूम करते हैं। और जो एयरक्राफ्ट इस पर होगा, जो वो फुली लोडेड होगा, उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी होगी, जैसे कार्गो पैसेंजर्स, तो वो फुली लोडेड है। और दूसरा ये है कि एयरपोर्ट सी लेवल पे है, जो एयरपोर्ट का लेवल है वो सी लेवल पे है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बेसिक अजम्पशन ये थी। और ये और जो थ्री केसेस कंसीडर करते हैं रनवे लेंथ के लिए, वो है आपका नॉर्मल लैंडिंग, नॉर्मल टेक ऑफ और स्टॉपिंग इन इमरजेंसी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉर्मल लैंडिंग के बारे में। नॉर्मल लैंडिंग ये चीज़ जानने के बाद ही आप एक एयरपोर्ट की एक रनवे की लेंथ डिसाइड कर सकते हो, उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मल लैंडिंग क्या होती है कि ये है आपका लैंडिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो ये अज्यूम करते हैं कि ये आप मान लो ये आपका थ्रीशोल्ड, ये जो बिगनिंग पोर्शन होता है, ये इसका देखो, ये स्टार्टिंग इसका होता है थ्रीशोल्ड, इसे कहते हैं थ्रीशोल्ड, ठीक। तो जब भी एरोप्लेन इसके ऊपर से गुजरे थ्रीशोल्ड के, जो स्टार्टिंग ऑफ द क्या कहते हैं रनवे, हाँ स्टार्टिंग ऑफ द रनवे है, थ्रीशोल्ड पे पहुंचने पे वो जो प्लेन है वो 15 मीटर के हाइट तक रहे और अपना 60% जो लैंडिंग डिस्टेंस है, जैसे ये डिस्टेंस है आप मान लो 100 मीटर है, तो वो आके 60 मीटर पे रुक जाए, नहीं 60% ऑफ लैंडिंग डिस्टेंस। तो ये होती है आपकी नॉर्मल लैंडिंग, ये नॉर्मल लैंडिंग है। दूसरी कंडीशन है नॉर्मल टेक ऑफ, इसमें क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, हाँ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है, जहाँ प्लेन हवा में लिफ्ट हो, यहाँ अब यहाँ तक प्लेन आके ये हवा में लिफ्ट हो जाएगा, ये आपका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। फिर 115% ये अज्यूम करते हैं कि जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का, इस डिस्टेंस का 115% पे जाने तक, ठीक है, जो एरोप्लेन रहे वो 10.5 मीटर हवा में पहुंच जाए, ये अज्यूम करते हैं, ठीक। कितना इस डिस्टेंस का, जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है इसका कितना परसेंट, 115% ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, यहाँ तक पहुँचने तक ये 10.5 मीटर हवा में चली जाए, ठीक है। तो ये था नॉर्मल टेक ऑफ की कंडीशन। दूसरा है स्टॉपिंग इन इमरजेंसी का कब यूज़ पड़ेगा, जब प्लेन का जो इंजन है, ठीक है, फेल हो जाए, ठीक है, जब इंजन फेलियर होगी तो उसे इमरजेंसी में रुकना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं नॉर्मल टेक ऑफ में कि ये लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो ये लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस यहाँ है, फिर यहाँ के बाद ये प्लेन हवा में जाने लगती है, ठीक। तो यहाँ पे हवा में जाएगी तो क्या करते हैं कि जहाँ से ये प्लेन 10.5 मीटर की हाइट पे जा रही थी, ठीक है, अब यहाँ ये 10.5 मीटर तक हवा में जा रही थी, ठीक है, लेकिन इंजन फेलियर यहाँ पे प्लेन रन कर रही है, ठीक,
लेकिन अब यहाँ पे इंजन फेलियर होने की वजह से हवा में नहीं जा पाएगी, अब उसे आगे रुकना पड़ेगा। अब उसे आगे रुकने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्लियर वे। तो अभी तो आप साइड से साइड व्यू देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, लेकिन अगर टॉप व्यू देखोगे तो ये ऐसा रहेगा, ये आपका रनवे है और ये है आपका क्लियर वे। ऐसे होता है, थोड़ी इससे ज़्यादा विड्थ रखते हैं रनवे से, हल्की सी विड्थ, ज़्यादा नहीं होती, हल्की सी विड्थ एक्स्ट्रा होती है क्लियर वे की। और जो इसकी थिकनेस रहती है रनवे की, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी बनाई जाती है। लेकिन जो ये क्लियर वे है, इसे बस इतना दिया जाता है कि इमरजेंसी में प्लेन उस पर जाके खड़ी हो सके, उसकी स्ट्रेंथ इससे कम रहती है। तो ये था बेसिक रनवे लेंथ। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।